देखिए दोस्तों, अगर आप ऊना हिमाचल में घूमने के लिए आप आ रहे हो और होशियारपुर की तरफ से, तो एक रास्ते में एक जगह पड़ती है बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। उसके साथ ही एक वाइन एंड साइडर का हमारा यहाँ पर काउंटर है, प्लस जो टूरिस्ट आइटम्स होती हैं वो हमारे यहाँ मिलती हैं। तो ये वाइन और साइडर है, ये अल्कोहलिक होती है, और बाकी जो हम सामान रखा हम लोगों ने, फ्रूट बर्फ़ी, ये अल्कोहलिक नहीं है, ये सिंपल बर्फ़ी है। चंबा चुक मिलेगी आपको, फ्रूट जूस, फ्रूट चटनी नेचुरल मिलेंगे आपको, अचार, फ्रूट जैम हिमाचल का मिलेगा आपको। अगर आप होशियारपुर की तरफ आ रहे हो, माता चिंतपूर्णी के द्वार आप आ रहे हो, वापसी में आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप कुछ और हर्बल आइटम्स लेना चाहते हो, जैसे कांगड़ा चाय हमारे पास मिल जाएगी, एप्पल साइडर विनेगर जो कि एक रामवन दवाई है हार्ट के लिए और शुगर के लिए, जो हमारा अंदर का कायाकल्प करती है। तो जैसे डॉक्टर बोलता है कि रोज़ाना एक सेब खाना चाहिए, इसका एक ढक्कन सुबह रोज़ाना पीजिए, एक दिन छोड़कर पीजिए, एक इंसान को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और उसको एप्पल खाने की ज़रूरत नहीं है, एक ढक्कन में एक एप्पल जैसा सबब उसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये फ्रूट वाइन एंड साइडर, फ्रूट्स की बनी हुई वाइन मिलेगी आपको, और साइडर मीन्स की फ्रूट बियर जिसे बोलते हैं, ये भी अल्कोहलिक होती है, इसमें 8% अल्कोहल होता है जो कि स्ट्रांग होता है। ऑलराइट, इसके अलावा आपको चंबे की मशहूर चुखे मिलेंगी, चटनी मिलेगी, पिकल्स मिलेगा, फ्रूट जैम मिलेगा। दोस्तों देख लीजिए, ये रोड है, ये धर्मशाला जाता है, ये माता चिंतपूर्णी वाला रोड है, चंडीगढ़ धर्मशाला वाला रोड, ये होशियारपुर की तरफ से रास्ता आता है और ये रास्ता जाता है पूरा धर्मशाला की तरफ। ठीक है दोस्तों, रास्ते में एक शॉप है, फ्रूट वाइन की शॉप है, मैं आपको फ्रूट वाइन की शॉप का टूर करवाता हूँ। यहाँ एक सेल्समैन बैठे हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, इनका नाम जाकिर है। हाँ जी सर। तो दोस्तों, ये हिमाचल में अक्रॉस द हिमाचल आपको इस प्रकार के काउंटर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे काउंटर्स वाइन एंड साइडर के हैं। वैसे वाइन देखा जाए तो बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन आप हिमाचल में अगर घूमने के लिए आए हो और आप इंजॉय करना चाहते हो, तो आप यहाँ से वाइन लेके जा सकते हो। वाइन आपको सस्ती मिलेगी, प्योर फ्रूट्स की मिलेगी। वैसे वाइन नॉर्मली रेड वाइन लोगों को पता है कि रेड वाइन, लेकिन हिमाचल में बेशुमार फ्रूट्स होने के नाते यहाँ पर हर प्रकार की आपको फ्रूट्स की नेचुरल वाइन मिलेगी। चलो इन भैया से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा क्या है। मैं इन भैया से परमिशन लेता हूँ अंदर आने के लिए। भैया मैं अंदर आ जाऊँ? ये वाइन शॉप के हम लोग काउंटर के अंदर आ गए हैं, और ये हॉकाई की पीच वाइन है, और जैसे कि भैया बता रहे थे कि इसमें 14% अल्कोहल रहता है, 14% अल्कोहल रहता है, और ये प्योर पीच की बनी होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मिल जाएगा, इनके पास स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी की जो वाइन, और इसके अलावा रेड वाइन मिल जाएगी यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ की, और आपको एप्पल बियर मिल जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग एप्पल बियर है ये। इसके अलावा ये प्लम वाइन है, गोल्ड होम रोडो, ये फूलों की वाइन है जो कि ब्रांच के फूल होते हैं। जैसे कि मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ब्रांच के फूल होते हैं जो कि हिमाचल में मिलते हैं, और कोरोना की बीमारी का इलाज भी ब्रांच के फूल थे। अगर कोरोना के टाइम में ये ब्रांच के फूलों की वाइन लोगों को पिलाई होती तो देश में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा एप्पल वाइन मिल जाएगी आपको, एप्रिकॉट मिल जाएगी, चेरी वाइन भी है, हिमाचल में चेरी बहुत होती है हिली एरियाज़ के अंदर। इसके अलावा ये देखिए आप, ये बब्बू गोशा की बियर है, जो बियर बनी है बब्बू गोशे की बनी है, और इसमें 8% अल्कोहल है, और ये ऐसा अल्कोहल है कि इसको पीने के बाद उतरता नहीं है, जैसे बियर के बाद हम लोग बाथरूम करते हैं और उतर जाता है, ऐसा नहीं है, ये स्ट्रांग है। कीवी की वाइन मिल जाएगी दोस्तों, साथ के साथ फ्रूट्स खाओ और साथ के साथ एंजॉय भी करो आप वाइन को। स्ट्रॉबेरी है, रेड वाइन है, जामुन की वाइन मिल जाएगी दोस्तों, जो लोग शुगर से ग्रस्त हैं और शुगर वालों के लिए बोले जाते हैं कि इनको अल्कोहल नहीं यूज करना चाहिए, आप ये वाली दारू पीजिए। इसके अलावा आपको रेड वाइन है, ये डेला, हाँ डेला, ये जाकिर है यहाँ पर जो सेलमैन है, इनसे मैंने पूछा कि ये जो कहते हैं कि अगर किसी को कुछ ज्यादा नशा करना होता है
इसको कहते हैं कि कम से कम हम हाफ पियेंगे तभी हमारी सेटिंग आएगी, तो इस बॉटल में अकेली में हाफ बॉटल जितना नशा है, और प्योर एप्पल की वाइन है, प्योर एप्पल की वाइन है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। इसके अलावा जाकिर से मैंने ये पूछा कि ये जो एक बहुत फेमस बियर है हमारे यहाँ पर, ये जोली मेकर साइडर है, बियर है जिसका शैम्पिन जैसा टेस्ट बता रहे थे जाकिर, और आप इसे भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ गर्ल्स बहुत ज़्यादा पीती हैं ये जोली मेकर की साइडर की। इसके अलावा दोस्तों आप इस स्पॉट से जो नेचुरल मटेरियल है, कीवी जूस, नेचुरल फ्रूट जैम जो कि हिमाचल के फ्रूट्स के बने हैं, आप इनका एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पिकल्स मिलेंगे, नॉर्मल पिकल्स नहीं मिलेंगे, जो हिमाचल में ही मिलते हैं, जो हिमाचल में जिनका कल्टिवेशन होता है वो वाले पिकल्स मिलेंगे। जैसे कि ये वाला पिकल वाइल्ड फार्म है, ये वाइल्ड फार्म पिकल्स है। गलगल का पिकल मिलेगा आपको, राजमा का पिकल मिलेगा आपको, चटनीज मिलेंगी, एप्पल चटनी, एप्रिकॉट चटनी, और नेचुरल एप्पल जूस आपको मिलेगा, एप्रिकॉट का जूस मिलेगा आपको दोस्तों, ये एप्रिकॉट जूस है, मिक्स फ्रूट मिल जाएगा, लीची मिल जाएगा। तो दोस्तों कभी आप हिमाचल आते हो, इधर की तरफ आते हो, चंडीगढ़ धर्मशाला रोड चिंतपूर्णी मत्था टेकने के लिए आते हो, या फिर आप धर्मशाला घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप इसी स्पॉट से गुजरोगे। अगर आप होशियारपुर से आ रहे हो, जलंधर से आ रहे हो, दिल्ली से आप आ रहे हो, तो यही रोड एक पड़ता है, इस रोड पर आप आइए। बॉम्बे पिकनिक स्पॉट के पास आपको ये काउंटर मिलेगा, मुबारकपुर से ठीक ऊपर 3 किलोमीटर, आप आकर एंजॉय कीजिए।